हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और आपकी एग्जाम में 99% आपको इसी टेस्ट सीरीज से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। डेली टेस्ट आप लगाते रहिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर आपके 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं हिंदी के, तो हम डेली वीडियो आपके अपलोड करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर वीडियो नहीं आया है तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं, क्योंकि समस्या इस समय नोटिफिकेशन की होती है। या तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम आप सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो डेली डेली टेस्ट आप लगाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी टेस्ट लगाएंगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपका कौन सा है? हमने आपको तत्सम शब्द बताया था, जहाँ पर रा उड़ा हो उसे हम लोग तुरंत पहचान कर लेंगे कि कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर तीर्थ जो है यह आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है क्या बनता है? इसका तद्भव बनता है तीरथ। क्या बनता है इसका तद्भव? तो आपका तीरथ बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम बताइए। अंगीठी का तत्सम, चलिए 2 का जवाब देना है। अंगीठी का यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर अग्निष्ठिका। कौन सी? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अग्निष्ठिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है यहाँ पर? तो तद्भव शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर, देखिए तद्भव शब्द ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सूरज, ठीक है। सूरज यहाँ पर आपका क्या है? यह आपका तद्भव है। और ये कह सकते हैं इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है? सूर्य बनता है, ठीक है। क्या बनता है साथियों? सूर्य बनता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर चांद की बिंदी हो वो हमेशा तद्भव ही होता है, अर्थात यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आंख। आंख क्या है? यह आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनता है? इसका तत्सम बनता है अच्छी। क्या बनता है इसका तत्सम? तो अच्छी बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर। 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मुख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुख हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो तद्भव बनता है वो आपका मुंह बनता है। क्या बनता है? मुंह बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसका जवाब 3rd आया है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत हम आप लोग को लोगों के कर रहे हैं, डेली टेस्ट पेपर आपके लिए ला रहे हैं, तो आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए। हमारा मनोबल डाउन हो जाता है अगर आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो, फिर मन नहीं करता, लगता है एक ही वीडियो बना दें तो आपका भी काम चलता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। वीडियो लाइक कर दिया करिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ करे, यही होगा कि हम बच्चे लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी बच्चों के यहाँ पर एग्जाम के समय उनकी तैयारी करा दें। 6 नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द आपका देखो चांद की बिंदी कहाँ है? ऑप्शन डी, जहाँ चांद मिल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव। ऑप्शन आपका 6 क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अच्छा इसका तत्सम क्या बनता है? तत्सम आपका बनता है भ्रमर। क्या बनता है? भ्रमर बनता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या बनेगा? चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 3rd नंबर, श्रृंगार बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा साथियों? श्रृंगार बनेगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है हल्दी शब्द का तत्सम। हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? हल्दी शब्द का जो आपका तत्सम हो जाएगा ऑप्शन राइट 8 का जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, हरिद्रा होता है। क्या होता है साथियों? हरिद्रा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है गेहूं शब्द का तत्सम। गेहूं शब्द का तत्सम क्या बनेगा? गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम बनता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका 1st हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि खंडहर का तत्सम शब्द बताइए। खंडहर का तत्सम शब्द, ये प्रश्न आपके 2010 में सभी पूछे गए थे। खंडहर का तत्सम बनता है क्या? खंडहर का बनता है खंड ग्रह। क्या बनता है? खंड ग्रह बनता है। ऑप्शन जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष बताइए। वह श्रेष्ठ उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है,
तो यहां पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ये यहां पर आपका विशेषण है, ठीक है, ये क्या है आपका विशेषण है, और वहीं पर जो उपासक है ये आपका यहां पर विशेष हो जाएगा, तो जवाब आपका 11 हो जाएगा सी नंबर, उपासक यहां पर क्या है आपका विशेष है, ठीक है। दोनों पॉइंट यहां पर क्लियर करते चलना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं। चलिए यहां पर देख लीजिए क्या दिया गया है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो यहां पर देखो यहां पर आपका दिया गया है कौन सा पॉइंट, थोड़ा सा ऐसे कर ले, यहां पर देखो भले शब्द दिया है और आपका महान शब्द जो दिया है और उचित शब्द दिया है, ठीक है, और जो आपका संयमित, ये जो चार हैं, चार ये आपके क्या है, ये विशेषण है, ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं कि जो चार विशेषण हो गए, ठीक है, तो जवाब यहां पर आपका चार वाला कौन सा, चार विशेषण और आपके दो यहां पर विशेष हो जाएगा कौन सा, तो यहां पर आपका लोग है और आपका व्यवहार है, इस कारण से जवाब आपका यहां पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला कह रहा है, यहां पर कह रहा आपसे यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, यह गाय अधिक दूध देती है, तो विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषता किसकी हो जाएगी, दूध की होगी ना, दूध ही तो अधिक देती है ना, ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कह सकते हैं कि ये जो आपका हो जाएगा वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर दूध की है नाप तौल है, मतलब तौलने के हिसाब से है, तो आपका परिमाण में भी हो सकता है, आप क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण, यहां पर बताइए कौन सा विशेषण है। सभी साथी टाइम से आया करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को भी लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, जवाब आपका यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर पूज्य होते हैं अर्थात उसके गुणों की बात हो रही है, उसके गुणों की बात हो रही है, तो यहां पर विद्वान जो आपका है वो गुणात्मक विशेषण है, ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा बी नंबर, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए यहां पर विशेषण तो देखो उत्कृष्ट है, निकृष्ट है और ध्रष्ट, ये आपके विशेषण हैं, ये तीन जो आपके हैं ये आपका विशेषण है, ठीक है। वहीं पर जो आपका जो विषाद दिया है, विषाद ये विशेषण नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। चलिए 16 का जवाब, और 16 में ऑप्शन राइट यहां पर देखो सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये विशेषण है, लेकिन जो मानस है, मानस यहां पर आप कह सकते हैं ये विशेष हो जाएगा, ठीक है, यह शब्द कर्म का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो यहां पर है आगामी, शांत और काला, ठीक है, आगामी, शांत तथा काला ये विशेषण है, जबकि तुम है, तुम, ये तुम क्या है साथियों, ये सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है, ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा। अगला विशेष शब्द है, विशेष शब्द को चुनना है, और विशेष शब्द में यहां पर जो आपका लघु, सुंदर, लंबा ये विशेषण है, लेकिन जो ललिता है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट हो जाएगा, ललिता ये विशेष शब्द है, क्योंकि यह नाम है, ठीक है, तो नाम जो होगा वो आपका क्या होगा, विशेष होगा, अदर तीनों यहां पर विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विशेष पद बताइए, विशेष पद बताना है, 19 का जवाब दीजिए, तो विशेष शब्द यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, उमा, उमा किसी का नाम है, यहां पर उमा आपका विशेष हो जाएगा, अदर वहीं पर कालिमा, मधुरिमा, महिमा ये आपके विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण पद है, विशेषण पद पूछा गया है, और विशेषण यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, यात लोचना, यात लोचना ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, अदर तीनों ही यहां पर कह सकते हैं संज्ञा है, जो कि एक विशेष से हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न पूछा गया है जीव का पर्याय है, जीव का पर्याय बताना है। जीव का पर्याय साथियों दीजिए, जीव का पर्याय क्या होता है? तो जीव का पर्याय होता है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, रसना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रसना हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे जीवा, रसना, जबान, वाणी, अंताकरण, ठीक है, ये सभी आते हैं। और वहीं पर वचन की बात करें तो वचन के पर्याय में आपके उक्ति, कथन, वादा, प्रण, ये आपके होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? चलिए भाई इसका जवाब दीजिए, यहाँ पर सभी साथी जवाब देंगे, यहाँ पर अहि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर देखा करिए, नहीं शब्द में 22 का जवाब तो बिल्कुल सही है, उरग, सरीसृप, पनवास, ये तो आपके हैं, लेकिन सिंधुर, सिंधुर कह सकते हैं कि ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, अहि का पर्यायवाची क्या होता है? अहि का पर्यायवाची जो आपके कह सकते होते हैं तो उरग हो गया, सरीसृप, पनवास हो गया, और भी ढेर सारे होते हैं जैसे भुजंग हो गया, सांप हो गया, ब्याल हो गया, फणी हो गया, नाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। सिंधुर किसका है? सिंधुर, सिंधुर का आशय होता है हाथी से, अर्थात ये हाथी का पर्याय दिया है, और हाथी के पर्यायवाची आप जानते हैं हस्ती, गज, करी, कुंजर, नाग, ये आपके होते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक, देखिए नैसर्गिक का पर्यायवाची बनेगा आपका प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक हो जाएगा, नैसर्गिक मतलब कृत्रिम हो गया, और इसका आपका जो आपका कह सकते मतलब माफ करिए, नैसर्गिक का जो पर्याय बनता है वो आपका प्राकृतिक बनता है। ठीक है, नेचुरल जिसे बोलते हैं, नेचुरल है ना, नेचुरल इसे बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? 24 का जवाब दीजिए, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहां पर हस्त, पाणि और कर, ये हैं, यहां पर कटी, ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, 25 का जवाब देना है सभी को, सभी को यहाँ पर देना है जवाब, और बिल्कुल सही है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपको हो जाएगा, विभाकर। ठीक है, क्या दिया है आपका? विभाकर, विभाकर नहीं है। देखो सूर्य के पर्यायवाची कौन होते हैं? प्रभाकर, दिवाकर, दिनेश, रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, बहुत होते हैं। ठीक है, मार्तंड, आदित्य, बहुत होते हैं इनके। ठीक है, और यहाँ पर विभाकर है किसका? विभाकर आपकी चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो चांदनी में आपका दिया है कौन सा? चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये तो है, लेकिन मयंक, मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपके होता है चंद्रमा के पर्यायवाची। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची होता है मयंक। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची में शशांक, शशि, ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं, हिमांशु भी पूछा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर 27 नंबर में देखते हैं सरस्वती के पर्यायवाची में भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, ईला, ब्राह्मणी, वीणा, पाणि, वागीस, बहुत होती हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका थर्ड है पद्मा, ठीक है, ये यहाँ पर कह सकते हैं आपके सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्या आपसे जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची जवाब दीजिए, सभी साथी जवाब देंगे यहाँ पर साथ में, और एक बार नाम कर जाना है इस बार को। ठीक है, नाम कर जाना है, जो भी जुड़े होंगे हमारे इस चैनल से, अगर पढ़े होंगे पूरी क्लासे लेंगे तो इस बार नाम जरूर करेंगे। यहाँ पर 28 को ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, विष्णु। ठीक है, यहाँ पर जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है? विष्णु का पर्यायवाची होता है, और विष्णु के पर्यायवाची में देखा जाए तो चतुर्भुज, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, ढेरों होते हैं इनके। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, 29 का जवाब देना है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन राइट यहां पर आपका, देखिए ऑप्शन आपका राइट आपका बी हो जाएगा, जलद। ठीक है, जलद, ये आपका कह सकते हैं ये पर्याय आपका होता है मेघ का।
ठीक है। जलद किसका पर्यायवाची होता है? मेघ का होता है। और मेघ के पर्यायवाची में देखा जाए तो नीरद, जलद, बलाधर, ठीक है, पयोधर, ये आपके ढेरों होते हैं। यहां पर ये जो दिए हैं आपके समुद्र के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा? तो इसका जवाब देना है, और शिव का पर्यायवाची ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो रुद्र है, रुद्र, ठीक है, रुद्र शंभु त्रिपुरारी चंद्रमौल महोदय, मतलब महादेव, ठीक है, इतने रट लीजिएगा, रुद्र शंभु त्रिपुरारी चंद्रमौल महादेव कैलाशपति, ठीक है, महेश, शंकर, ढेरों होते हैं। अगला है अथ का विलोम है, अथ का विलोम, अथ का विलोम क्या होता है? तो 31 को ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अथ का हो जाएगा आपका इति हो जाएगा, ठीक है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, और इसका विलोम बनेगा इति बनेगा, ठीक है। और पूर्ण का विलोम, पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण, ठीक है। समाप्त का विलोम होता है प्रारंभ, और खत्म का विलोम होता है आपका क्या? शुरू होता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार वीडियो और लाइक करिए, और ज़्यादा आपको लाइक मतलब आपको समझ में आने लगेगा। वीडियो लाइक करिए एक बार, आपको भी गर्मी आए और हमको भी गर्मी आए। चलिए अभिज्ञ का विलोम, 32 नंबर, अभिज्ञ का विलोम, और अभिज्ञ का विलोम होता है आपका क्या? अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो अज्ञ है, ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन में अनभिज्ञ ना होने के कारण अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा, जो कि इसके समान होगा, अर्थात अभिज्ञ का हो जाएगा यहाँ पर अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। वैसे अभिज्ञ का पूर्णता जो एक और होता है अनभिज्ञ, वो होता है ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से जो आपका अज्ञ है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। और वहीं पर देखा जाए कि चतुर का विलोम, चतुर का विलोम, तो चतुर का विलोम अचतुर होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम बताना है 33 नंबर साथियों। चलिए यहां पर 33 को ऑप्शन राइट आपका ऑप्शन यहां पर कृतज्ञ हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, जड़ का विलोम, जड़ का विलोम होता है चेतन, ठीक है, संवेदनहीन, संवेदनहीन का विलोम होता है संवेदनशील, और अकृतज्ञ का होता है क्या? अकृतज्ञ का होता है कृतज्ञ होता है, ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ना है यहां पर। अगला है संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। संक्षेप का विलोम होता है क्या? संक्षेप का होता है विस्तार, ठीक है। वहीं पर विकीर्ण, विकीर्ण का विलोम बनता है एकत्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम बताना है, और अनुरक्ति का विलोम बनता है आपका विरक्ति। क्या बनता है साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, विरक्ति बनता है। वहीं पर देखा जाए तो विराग का विलोम बनता है अनुराग, ठीक है, विराग का बनता है अनुराग। और तिरोभाव, तिरोभाव का विलोम बनता है आविर्भाव, ठीक है, तिरोभाव का आविर्भाव। और संशक्ति, संशक्ति का बनता है आपका निर्भीक, ठीक है, संशक्ति का निर्भीक बनता है। चलिए अगला है सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम, और सापेक्ष का विलोम बनता है निरपेक्ष, ठीक है, क्या बनता है सापेक्ष का? निरपेक्ष बनता है साथियों, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, निरपेक्ष, ठीक है। और निष्पक्ष का विलोम आपका पक्षपात बनता है, ठीक है, निष्पक्ष का विलोम क्या बनता है? पक्षपात बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विग्रह का विलोम शब्द, विग्रह का विलोम, विग्रह का विलोम होता है क्या? विग्रह का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ठीक है, विग्रह का विलोम संधि होता है। वहीं पर आग्रह का विलोम, आग्रह का विलोम, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह। और ग्रहण का विलोम त्याग या परित्याग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, चेक करना है यहाँ पर। अपेक्षा का दिया है उपेक्षा, जो कि बिल्कुल सही है। अग्रज का दिया है अनुज, जो कि बिल्कुल सही है। उन्नत का दिया है अवगत, अवगत नहीं होता है औनत होता है, क्या होता है? औनत होता है। तो आपका जवाब अवनत, ये आपका होना चाहिए, तो थर्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आदान का होता है प्रादान, जो कि सही है, तो त्रुटि किस में मिली है? थर्ड नंबर में। चलिए अगला प्रश्न है यथार्थ का विलोम शब्द, यथार्थ का विलोम,
और 39 का जवाब, 39 को ऑप्शन जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यथार्थ का होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श होता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है, याद रखिए कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है और उचित का विलोम अनुचित होता है, ठीक है, उचित का विलोम अनुचित होता है। अगला प्रश्न है साधु का विलोम शब्द, साधु का विलोम बताना है और साधु का विलोम हो जाएगा असाधु। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को? सभी लोग लाइक नहीं करते यार, वीडियो लाइक करने में आपको कोई दिक्कत है मेरे भाई? लाइक कर दिया करिए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हमें ये दिक्कत आ रही है लाइक करने में। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए लाइक करने में कि ये दिक्कत हमें आ रही है लाइक करने में, इसलिए हम दिक्कत नहीं करते, हमारा पैसा कट जाता है, हमारा अकाउंट बैलेंस जुड़ जाता है। ठीक है, लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है। एक मिनट टाइम वेस्ट इसी में करा देते हो, अगर इतना बड़ा वीडियो बनाते हैं तो लाइक करने के जुम्मे तो बनते हैं ना, कि आप लोग लाइक कर दिया करिए। अब उसमें आप कमेंट कर रहे हो कि सर लाइक करने से क्या होता है, आप पढ़ाइए आप पढ़ाइए, जिसको करना हो तो कर दिया कर देगा। इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं तो इतना फर्ज तो बनता है, सर फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको लाइक करने में क्या दिक्कत होती है क्या? चलिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 41 नंबर दीजिए, 41 नंबर। तो यहाँ पर देखो, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो भुक्खड़ दिया है, भुक्खड़, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होता है? तो सही होता है आपका क्या, यहाँ पर ये जो आपका खा है उसकी जगह का हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा भुक्खड़, इस प्रकार से हो जाएगा, अर्थात आधा का लगेगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 42 का बी दीजिए। तो 42 का बी देखिए, छिंद्रान्वेषी, ठीक है, छिंद्रान्वेषी यहां पर आपका कह सकते हैं गलत है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए आपके सभी विकल्प आपके यहां पर शुद्ध हैं। यहां पर जो शुद्ध बनता है वो क्या बनता है, इसका छिंद्रान्वेषी का जो शुद्ध बनता है वो क्या बनता है? तो देखिए, शुद्ध जो आपका होगा, जो ये सा बना है, ये सा नहीं होता है, ये वाला सा आपका बना होता है। ठीक है, ये गलती आपकी यहां पर थी, समझ में आ गया। चलिए अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? थोड़ा सा इसको यहां पर छोटा करना पड़ेगा तब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। चलिए 43 नंबर कह रहा आपसे कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। आपका शासन, क्या बोलेंगे ऐसा? पहले वाक्य में देखिए, यहां पर कह सकते हैं विख्यात पूर्ण, ये पॉइंट आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यहां पर कह सकते हैं का के स्थान पर अगर के कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। पूरे देश में के स्थान पर अगर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, के स्थान पर, ठीक है, तब यहां पर हो जाएगा डी नंबर, यहां पर आपका शुद्ध हो जाएगा कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 44 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, जो कि जवाब यहां पर 44 का डी सही हो जाएगा। अब पहले प्रश्न में क्या दिक्कत है? पहले वाक्य में कमजोरियों के स्थान पर कमजोरी होना चाहिए, कमजोरियों के स्थान पर कमजोरी होना चाहिए। दूसरे वाक्य में क्या दिक्कत है? दूसरे वाक्य में राजपथ और सड़क में पुनरावृत्ति हुई है, मतलब कि राजपथ और सड़क दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए था। ठीक है, अगले पॉइंट में देखो, तीसरे वाक्य में शिकारी ने होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। 45 का जवाब देना है और शुद्ध वर्तनी आपका क्या बनेगा? कवित्री, आपने हमेशा पढ़ा होगा कवित्री, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर फर्स्ट नंबर, ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 46 का जवाब। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, शुश्रूषा इस प्रकार से सही लिखा जाता है, याद रखिएगा चारों ऑप्शन में गौर करिए। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है ईर्ष्या, ईर्ष्या किस प्रकार से सही लिखेंगे, सही जवाब यहां पर बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा, आपका ईर्ष्या इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला यहां पर शब्द बताना है, कौन सा आपका जवाब अशुद्ध आपका दिया गया है, 48 नंबर, तो 48 को ऑप्शन राइट यहां पर आपका देख सकते हैं, उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल, ये सही है वत्सल, लेकिन यहां पर जो आपका गलती है वो आपके उज्ज्वल में गलती है, ये देखिए उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, तो किस प्रकार से लिखते हैं, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखते हैं, समझ में आ गया, आ गया समझ में, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि शुद्ध शब्द रूप है, शुद्ध शब्द रूप है और शुद्ध शब्द रूप जो आपका है 49 नंबर में, तो 49 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर डी नंबर, डी नंबर आपका जो दुर्निवार है ये इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊँटों का जा रहा है, भाई ऊँटों का क्या जा रहा है, क्या यूज करेंगे, ऊँटों का क्या होता है, कारवां, जत्था, काफिला या बेड़ा, 50 का जवाब, 50 को ऑप्शन याद रखिएगा, ऊँटों का काफिला होता है, ऑप्शन यहां पर आपका भरा जाएगा सी नंबर, काफिला भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय, जो यात्रा के समय रास्ते के लिए दी जाती है उपभोग के लिए, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, तो जवाब यहां पर आपका 51 को हो जाएगा सी नंबर, उसे पाथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, पाथी बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है आधी रात का समय, आधी रात का समय, और आधी रात का समय यहां पर क्या बोलते हैं, निशीत बोलते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, निशीत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए, जिसके पास कुछ ना हो, और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द बनता है अकिंचन बनता है, क्या बनता है साथियों, अकिंचन बनता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला कह रहा है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अनाहूत बोलते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पर 3rd हो जाएगा, अनाहूत बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्ष बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहां पर 3rd हो जाएगा, मुमुक्ष हो जाएगा, मुमुक्ष, समझ में आ गया। तप करने वाला, और तप करने वाले को तपस्वी बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, तो 56 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपथ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, उसे नेपथ्य बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताइए, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उसे समिधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, उसे समिधा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हवन की वस्तु के लिए, अगर हवन की वस्तु के लिए बोल देता तो उसे हवि बोला जाता है, ठीक है, उसे हवि बोला जाता है। और अगला है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहेंगे, तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा 58 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उन्हें दिगंबर कहा जाता है, ठीक है, दिगंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कानीन हो जाएगा, ठीक है, कानीन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है पेट की अग्नि के लिए,
पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? अपने तरफ से कमेंट करो, यहाँ पर टाइप करो, फिर आंसर दिखाते हैं रटा है कि नहीं रटा है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आ गया है और आप लोग लाइक कर दो, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकाला जाए। सभी लोग लाइक करिए, एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। लाइक कर दिया सभी ने? आज लाइक करोगे तभी आगे क्लास बढ़ेगी। चलो लाइक कर दो। चलो पेट की अग्नि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? तो उसे दावाग्नि बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। ठीक है, दावानल। और समुद्र में आग लगने वाले को क्या बोलते हैं? तो समुद्र में आग लगने वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? बड़वाग्नि या बाड़ा मतलब बड़वानल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दिया है मंदाग्नि। मंदाग्नि किसे कहते हैं? काफी बार आप देखे होंगे, शायद इसका अर्थ जानते हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिए। मंदाग्नि का अर्थ क्या होता है? मंदाग्नि का पता है किसी को? किसी को पता है? जिसे पता वो कमेंट करे। मंदाग्नि, मंदाग्नि हम ही बता दें। तो पहले लाइक कर दीजिए सभी लोग, तभी इसको बताएं हम। मंदाग्नि बोलते हैं, याद रखिएगा कि भूख ना लगने वाली बीमारी को मंदाग्नि बोलते हैं। याद रखिएगा, भूख ना लगने वाली बीमारी को मंदाग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमें कब अच्छा लगेगा? जब आप लोग लाइक करके जाएंगे। ठीक है, और कह सकते हैं लगातार क्लासें आपकी कराई जा रही हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लासें नहीं मिल रही हैं हिंदी की, तो आपको बता दें नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रहा है। आपसे बोलते हैं कि आप लोग टाइम से आ जाया करिए, और अगर ना भी आ पाओ तो बाद में देख लिया करिए कि सर ने वीडियो अपलोड किया है या नहीं किया है, नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। या हम हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी PDF भी प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो बाकी हैं वो PDF आपको मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ लिंक भी मिलेगी, PDF भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगी, और भी आपको करंट अफेयर के कह सकते हैं जो क्यूज होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और एक धमाकेदार टेस्ट के साथ। ठीक है, और कब? एक अगला जो क्लास आपके 8:30 बजे हिंदी वो भी होती है, और 9:30 बजे आपको UPGK है। UPGK में कमांड कर लिया तो एग्जाम आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो जरूर मिलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।